तो इस पर हमारे साथ आपको बता दें परविंदर सिंह सेठी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के करीबी माने जाते हैं। परविंदर जी, बहुत महत्वपूर्ण ये अहम समय है, गंभीर समय है, क्योंकि अब पहले तो उप मुख्यमंत्री का नाम सामने आता था, लेकिन इसमें तो अब सीधे मुख्यमंत्री का नाम सामने लिया जा रहा है चार्जशीट में। देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सफाई इसमें दे दिए कि ईडी ने 5000 चार्जशीट फाइल करी है, उनमें वो सरकारों को गिराने के लिए, एमएलए को खरीदने के लिए, एमपी को खरीदने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं उनका मिसयूज करते हैं। अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सच्चाई छुपनी नहीं है, आज नहीं तो कल सामने आएगी आएगी। लेकिन उस जो समीर महेंद्रू हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेरे से जबरदस्ती इस तरह की बयानबाजी कराई गई है, तो ये सच्चाई तो सामने आएगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, जो इन संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर रही है, और इसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है, क्योंकि लगातार लगातार कभी मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लगते हैं, कभी किसी के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया अभी तक। और ये पार्टी को डिफेम करने की बहुत बड़ी साजिश है, और ये सच्चाई तो देखिए छुपनी नहीं है, आज सामने आए, 2 महीने बाद सामने आए, साल बाद सामने आए, सच्चाई तो सामने आनी ही आनी है। परमिंदर जी, जैसे कहा जा रहा है सरकार कह रही है सबूत है, ईडी कह रही है सबूत है, तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी के पास भी, आप लोगों की तरफ से भी क्या कुछ सबूत है इस पूरे मामले में, उस और लीगली आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अपना अपना बयान दे दिया, उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया कि ये फर्जी आरोप है, इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ पार्टी को डिफेम करने की साजिश है, और जो समीर महेंद्रू है उनसे जबरदस्ती ये बयानबाजी करी गई है, और जब कोर्ट के अंदर आएगा तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है महेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, सेठी जी बहुत बहुत धन्यवाद।